हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस अपने ख्वाबों को अपनी निगाहों में रखो। ध्यान रखिएगा, आपकी नजर कभी भी आपके लक्ष्य से, आपकी मंजिल से चूकनी नहीं चाहिए। आपका सारा ध्यान आपकी मंजिल की तरफ लगे रहना चाहिए, आपकी मंजिल की तरफ लगे रहना चाहिए। यानी कि आप जो भी काम करें, दिन भर में जो भी काम करें, बस यह सोचकर करें, जो मैं ये काम कर रहा हूं ये मुझे मेरी मंजिल की तरफ ले जा रहा है या उससे दूर ले जा रहा है। यानी हमारा हर कृत्य, हमारा हर कर्म हमें हमारी मंजिल के नजदीक ले जाए, उससे दूर नहीं। तो जब भी आप कुछ भी करें तो ध्यान रखें, हर कर्म आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर जाना चाहिए। आप रात भर पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, तो महसूस होना चाहिए कि मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूं। आप नहीं पढ़ाई करते हैं, आप टाइम बर्बाद करते हैं, तो फिर आपको यह भी महसूस होना चाहिए कि आज आप अपनी मंजिल से दो कदम पीछे हट गए। यानी रोज रोज आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं या अपनी मंजिल से दूर जा रहे हैं, है ना। और कभी भी अपने ख्वाबों को, मान लो हमने कोई टेस्ट दिया, उसमें हमारा बहुत खराब स्कोर आया, तो हमें लगे अब हम लायक नहीं है, हम हमारे बस का नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, अब तो हमें छोड़ देना चाहिए, हम बिल्कुल बेवकूफ आदमी हैं, हम बिल्कुल बेवकूफ इंसान हैं। ये चीजें अपने बारे में सोचना छोड़ दें, अपने ऊपर शक मत करें, क्योंकि किसी ने कहा है गॉड डज नॉट क्रिएट गार्बेज। आप ईश्वर की रचना है और भगवान कभी भी कचरा नहीं बनाता, कूड़ा नहीं बनाता यार, उसने तुझे बनाया, अपने हाथों से बनाया यार। तो इसलिए तू एक भगवान की असीम रचना है, एक ऐसी रचना है जिसमें इनफाइनाइट पोटेंशियल है कुछ भी करने का, कुछ भी पाने का। इसलिए कभी भी अपने आप को किसी से कम मत आंकना, कभी भी अपने आप को छोटा मत समझना। आप सब कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ करने में सक्षम हो, बस देरी इसी बात की है आपको इस बात का एहसास हो जाए कि आपकी जिंदगी का हर कदम आपकी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है या उससे दूर जा रहा है, है ना। बस इतना आपको एहसास हो जाए तो बात बन जाएगी। हम में से कई लोग इस बात को एहसास नहीं करते हैं और हम जाने अनजाने में बहुत सारा वक्त ऐसी गवा देते हैं इंटरनेट पर, या फिर कभी कभी मातम मनाने में, जो चोट लग रही है गिरे लेकिन फिर दुगने जोश के साथ उठ खड़ा हो फिर दोबारा से लड़ने के लिए। योद्धा वह नहीं जिसको थोड़ी सी चोट लगी और वह मैदान छोड़कर भाग खड़ा हो। तो हम में से कई लोग इस तरह के होते हैं कि जिनको थोड़ा सा भी डाउन देखना पड़ता है, थोड़ा सा भी असफलता हाथ लगती है, वो तुरंत मैदान छोड़कर भाग जाते हैं या फिर इस तरह के वक्तव्य देने लगते हैं कि हमारे बस का नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो आपको एक वीर योद्धा बनना है, है ना, आपको एक वीर योद्धा बनना है, पढ़ाई करनी है।